Good morning, student. Welcome back to our maths online class. Today I am starting question number 5. Give the place value for the uncircled digits. यानी जो डिजिट्स हैं आपको नज़र आ रही है ये डिजिट्स, उसमें जो अनसर्कल डिजिट्स हैं जिस पर सर्कल किया हुआ है उसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विद दिस टॉपिक। इस टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स सब जानते होंगे इसको कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से क्लास फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक आपने इसके बारे में रीड करा है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। बट एक बार फिर भी हम एक बार इसके शॉर्टली हम इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मीन्स होता है जो भी डिजिट्स होती हैं उसकी कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होती है। जैसे यहाँ से फर्स्ट हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से। तो ये जो साइड होती है वो वंस प्लेस होती है। वंस ये होती है टेंस, ये होती है 100, ये होती है 1000 और ये होती है 10,000 प्लेस। ठीक है, तो जो भी डिजिट्स होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, उनकी कुछ ना कोई प्लेस वैल्यू ज़रूर होती है। ये जो हम लिखते हैं 1, 10, 100, ये ही क्या होती है, उन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू होती है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसमें जो अनसर्कल्ड है, जो सर्कल क्या है, नंबर 5 है, तो नंबर 5 की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 10,000। तो आपको ध्यान होना चाहिए फिफ्थ स्टैंडर्ड में आने के बाद कि 5 है 10,000 वाली डिजिट है, और 10,000 वाली डिजिट के पीछे आपको पता होना चाहिए कि कितनी ज़ीरो का यूज़ होता है। 10,000 में 4 ज़ीरो का यूज़ होता है। अगर आपको 10,000 का ध्यान नहीं है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 100 का तो सबको पता ही होगा, 100 में 2 ज़ीरो होती हैं। 100 के बाद कौन सी डिजिट का यूज़ होता है, 100 के बाद 1000 वाली डिजिट का यूज़ होता है, और 1000 में कितनी ज़ीरो होती है, 1000 में 3 ज़ीरो होती है, और 10,000 में 0 होती है 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखेंगे पहले, जो नंबर जिस भी नंबर का हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, जिस भी नंबर की पहले हम नंबर वो लिखेंगे, उसके बाद कितनी ज़ीरो लगाएंगे, 4 ज़ीरो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ध्यान नहीं रहता है। यहाँ पे 5 लिखोगे जिसमें नंबर के आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, पहले वो नंबर लिखोगे, उसके बाद आपको देखोगे कि उसके पीछे कितने नंबर हैं। इस नंबर को छोड़ के आपको देखना है इसके पीछे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, तो आपको उतने ही जीरो का यूज़ करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो चेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 75,402। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अनसर्कल नंबर कौन सा है, नंबर 4। नंबर 4 की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, वंस टेंस 100। 4 जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100। तो सबसे पहले हमें जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है वो हम नंबर वो लिखेंगे, देन उसके बाद हम ये 100 प्लेस पे हैं, और 100 प्लेस में कितनी ज़ीरो होती है, 2 ज़ीरो। तो हम लोग इस तरीके से 2 ज़ीरो लगा देंगे। आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसके पीछे कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे हमें दो नंबर्स की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे फर्स्ट हम लोग इस नंबर की फाइंड करेंगे, नंबर 2। तो प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर टू की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे नंबर 2 की प्लेस वैल्यू है होगी यहाँ पे, क्योंकि ये वंस डिजिट में है तो इसका एज इट इज़ नंबर 2 का 2 होगा, क्योंकि वंस प्लेस में तो डिजिट होती है उसके पीछे कोई ज़ीरो का यूज़ नहीं होता है। तो नंबर 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस टेंस 100,000 10,000। 10,000 में कितनी ज़ीरो का यूज़ होता है, पीछे 4 ज़ीरो, तो हम यहाँ पे 4 ज़ीरो का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, में हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करनी है 6 की अनसर्कल डिजिट कौन सी है, 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। वंस टेंस 100,000, 6 क्या है, 1000 प्लेस पे है, तो 1000 वाली डिजिट में कितनी ज़ीरो का यूज़ होता है, 3 ज़ीरो का, 1, 2, 3 ज़ीरो का यूज़ करेंगे। बस हो गया, ये हम इस तरीके से इसको राइट डाउन करना ही, यही क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 और 2। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 6 और 2 की प्लेस वैल्यू दोनों नंबर की हमें इसमें देखना है। इसमें कोई अनसर्कल नहीं है क्वेश्चन में, ये हमें कहा गया है कि हमें 6 और 2 की प्लेस वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें देखना है क्वेश्चन में 6 का है और 2 का है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे 6 ये रहा और 2 ये रहा, तो सबसे फर्स्ट 6 आ रहा है, तो हम पहले किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, 6 की। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये वंस प्लेस पे है तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 की 6 ही आएगी। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी,
वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड पे है और टेन थाउजेंड के पीछे कितने जीरो का यूज़ होता है, फोर जीरो का, तो ये टू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वेंटी थाउजेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में सिक्स और टू दोनों जगह दोनों की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे भी हम दोनों की, दोनों टू की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ओके सो लेट्स स्टार्ट, पहले हम इसकी फाइंड करेंगे, ठीक है, इस वाले सिक्स की। तो यहाँ पे हम करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स ऑफ, बट कौन से सिक्स की फाइंड कर रहे हैं वो भी हमें मेंशन करना है, प्लेस वैल्यू वंस डिजिट सिक्स, वंस डिजिट पर जो सिक्स है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसकी प्लेस वैल्यू तो सिक्स की सिक्स ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट टेंस डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस डिजिट, टेंस डिजिट पे जो है सिक्स उसकी फाइंड करनी है, तो उसकी क्या होगी, टेंस डिजिट के लिए हमें ऑनली उसके पीछे एक जीरो का यूज़ होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम यूज़ करेंगे इस वाले का, ये वाली कौन सी डिजिट है मैं आपको यहाँ करके बता देती हूँ, ये हंड्रेड प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड प्लेस टू, हंड्रेड प्लेस पे जो टू है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, टू हंड्रेड, बिकॉज हंड्रेड के पीछे कितने ज़ीरो का यूज़ होता है, टू ज़ीरो का यूज़। और अब ये वाली थाउजेंड प्लेस वाली, प्लेस वैल्यू ऑफ थाउजेंड प्लेस, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, थाउजेंड प्लेस के लिए टू की प्लेस वैल्यू क्या होगी, टू थाउजेंड, बिकॉज थाउजेंड वन थाउजेंड वाली जो भी ज़ीरो होती है उसमें कितनी ज़ीरो का यूज़ होता है, थ्री ज़ीरो का यूज़ होता है। ऑल द स्टूडेंट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड डू दिस योर वर्क इन योर फेयर कॉपी, थैंक यू।